तो वेलकम बैक। आज से हम लोग क्लास 11 की अकाउंटेंसी शुरू करने जा रहे हैं और ये इस होप से शुरू करने जा रहे हैं कि आपको काफ़ी इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से चीज़ें समझाई जाएंगी और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए है क्या, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करें यानी अकाउंटेंसी के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो जब भी कभी किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ने के लिए चलते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। अब जब आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा सबसे पहले अल्फाबेटिक पढ़ा होगा, ठीक है ना, अल्फाबेटिक पढ़ते हैं, फिर दो शब्द मिला के पढ़ते हैं, फिर चार शब्द, धीरे 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 हम सेंटेंस बनाने लगते हैं और चीज़ों को समझने लगते हैं। अब मेन चीज क्या है कि अकाउंटेंसी पढ़ने का मेन पर्पस क्या है और अकाउंटेंसी है क्या। तो जनरली देखा जाए तो अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, यानी जो बिजनेस है वो अपनी बात बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई बिजनेस तो एक तरीके से कहें तो वो उसमें कोई जान तो होती नहीं है, वो तो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं, यानी इस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसे अपनी बात बतानी है। वो ये कह नहीं सकता कि भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या मेरे में लॉस हुआ। अब इस चीज को बताने के लिए यानी बिजनेस अपनी बात कैसे समझाएगा या बिजनेस की चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए अकाउंटेंसी होता है या अकाउंटिंग होता है। ठीक है, यानी बिजनेस में जैसे अकाउंटिंग है क्या अगर समझा जाए, तो किसी भी बिजनेस को करने का एक मेन सीधा सा फंडा होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हमने बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा होगा या कहीं भी हम पढ़ते हैं कि बिजनेस का मेन मोटो ही होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ये कैसे समझ पाएंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चीज को पता करने के लिए यानी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए हम अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। अकाउंटिंग से हम चीजों को एनालाइज कर पाते हैं या समझ पाते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन या अकाउंटिंग की मीनिंग की बात करें तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट्स में स्टार्टिंग कहाँ से होती है और रिकॉर्डिंग हम करते क्यों है, भाई रिकॉर्डिंग करने का मेन रीजन क्या है कि रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है। इसलिए की जा रही है कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग है, अगर हम चीजों को अपनी मेमोरी में बहुत समय तक रखें तो भाई ह्यूमन बीइंग है, भूल भी सकते हैं चीजों को, तो आखिर इतना स्ट्रेस क्यों रखा जाए, यानी अपने माइंड में हम इतना स्ट्रेस क्यों रखें। इसीलिए बिजनेस में क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं तुरंत हम उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बुक्स में जैसे हमने रिकॉर्ड किया यानी हमारे मेमोरी के ऊपर से वो चीज बुक्स में आ गई। जब भी कभी हमें रिकॉल करना होगा, कोई भी डिस्प्यूट्स होगा कि भाई क्या हुआ था, तो तुरंत हम बुक्स खोलेंगे, देखेंगे भाई ऐसा हुआ था, लिखा हुआ है वहां पे। यानी अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट क्लासिफाइंग, यानी हम डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे होता क्या है, जैसे स्कूल होता है, अब जैसे ये स्कूल है मान लीजिए, खूब बड़ा सा स्कूल है और ये स्कूल का मान लीजिए एंट्रेंस है, यहाँ से बच्चे एंट्री करते हैं। अभी जो एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस से क्लास 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, 11th का हो, 12th का हो, 8th का हो, सारे बच्चे इसी गेट से क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। उसके बाद उनकी मान लीजिए यहाँ पे प्रॉपर असेंबली करा दी गई। असेंबली करने के बाद अब अगर 8th का बच्चा है तो वो 8th की क्लास में चला जाता है, 9th का है तो वो 9th की क्लास में चला जाता है, 10th का 10th की क्लास में चला जाता है, यानी उसको हम अलग अलग क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। यही काम यहाँ पे भी किया जाता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, परचेज का हो, सेल्स का हो, वेजेस का हो, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन हो, हमने गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, रामलाल को बेचा, श्यामलाल को बेचा, ड्रॉइंग दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, कुछ भी एक्सपेंस हो सबको रिकॉर्ड कर लो। अब महीने भर में हमने कितना परचेज किया, किसी से भी किया हो, तो उस सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे लेके आने को हम क्या बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन कर देना, यानी चीजों को एक तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह ले आना, इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद क्या करते हैं, एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी चीजों को समराइज कर लेते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या करते हो, खूब बड़े बड़े स्टैंजा होते हैं, उसका आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो या पढ़ते हो, फिर अगर उसको समराइज करने के लिए बोला तो आप उसकी समरी लिख के देते हो, जहां पे नटसेल में
यानी ब्रीफ में आप पूरी चीज लिख के बताते हो कि भाई ये हुआ। तो ऐसे इतने बड़े बिजनेस में अब किसी भी ओनर के पास या मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरी कहानी सुने बैठ के। वो सोचता, वो ये पूछता कि भाई ये बताओ रिजल्ट क्या आया, व्हाट इज द रिजल्ट। यानी चीजों को समराइज वे में लिया जाता है, तो समराइजिंग कर देते हैं। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है ट्रांजेक्शन और एक है इवेंट। इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ट्रांजेक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है, ये बताते हैं इसको हम। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो भी बिजनेस का रिजल्ट होता है, भाई बिजनेस में रिजल्ट क्या आएगा, किस पर्पज के लिए बिजनेस किया था आपने, प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन कभी कभी सब चीजें हमारे मन की तो होती नहीं है, कभी कभी लॉस भी आ सकता है बिजनेस में, क्यों नहीं भी? लॉस भी तो आ सकता है। तो यानी जो भी बिजनेस का रिजल्ट है, जो भी बिजनेस का रिजल्ट है, जो बिजनेस के ओनर होते हैं, जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई होती है, वो लगातार स्केर्सिटी में रहते हैं कि भाई क्या होगा बिजनेस में, क्या होगा बिजनेस में। जैसे आप लोगों का टेस्ट होता है या एग्जाम होता है, तो उसी दिन से एग्जाम देने के बाद से ही दिमाग में एक कीड़ा घूमने लगता है कि रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, कितने परसेंट आएंगे, क्या चीजें हैं। वही चीज एक बिजनेसमैन के अंदर भी होती है क्यूरियोसिटी, कि वो भी चाहता है कि हमारे बिजनेस का रिजल्ट क्या आया। तो अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी बिजनेस का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करें किसको, जो भी बिजनेस के यूजर्स हैं। बिजनेस के यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अकाउंटिंग का अगर पूरा एक डेफिनेशन के वे में देखा जाए, तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, यानी डेफिनेशन में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करने ही होंगे। एक बार फिर से देखते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ एंड कम्युनिकेटिंग देम टू द यूजर। ये अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन आप इसको कंसाइल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब अकाउंट्स के प्रोसेस की तरफ चलते हैं, यानी अकाउंट्स में किस किस तरह के प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, और कैसे कैसे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और कैसे हम फाइनलाइजेशन तक पहुंचते हैं। इसको हम प्रोसेस ही बोल सकते हैं, अकाउंट्स के डिफरेंट प्रोसेस भी हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कुछ लोग इसको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, चाहे आप प्रोसेस कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, या एट्रीब्यूट्स कहें, दीज आर द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज, अरे हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो उसका सिक्वेंशियल ऑर्डर दिया हुआ है, यू हैव टू फॉलो इट। यानी अगर एक नंबर भी लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, आपको यही लिखना होगा। आपका मन क्या, नहीं कम्युनिकेटिंग पहले लिख दें यार, इसको बाद में लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस हमेशा एक ऑर्डर में होते हैं, सिक्वेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। मतलब बिजनेस में सबसे पहला काम क्या है, रिकॉर्डिंग के पहले भी क्या काम करना होता है, कि हमें उन ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो बिजनेस के हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। अब आप कहोगे बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के ही तो होंगे, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं, जैसे किसी की ऑनेस्टी, ठीक है ना, किसी की डिलीजेंसी, किसी की सिंपथी। अब क्या सिंपथी को हम मनी मेजर कर सकते हैं, या सिंपथी को हम फाइनेंशियल नेचर में ले सकते हैं, या जैसे मान लो वो सारी एक्टिविटी जो इंसान साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, जिसका मेन मोटो मनी अर्न करना नहीं होता, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप एक सिंगर हैं, प्रोफेशनल सिंगर हैं, लेकिन आपने क्या किया, कहीं सिंगिंग से जो भी आपको मनी मिला वो आपने एक मान लीजिए अर्थक्वेक विक्टिम्स को डोनेट कर दिया, तो जो आपने जो एक्टिविटी की है दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है। तो अकाउंट्स में हम केवल कौन सी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल इन नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर की है। रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे फिर से दो बात आ गई, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, और चलिए इसको क्लियर कर ही देते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन में क्या होता है, इधर थोड़ा देखिए, ट्रांजेक्शन होने के लिए एटलीस्ट दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक पार्टी जैसे मान लीजिए सेल कर रही है, इसने सेल किया तो ये पार्टी क्या करेगी, इसी गुड्स को परचेस करेगी, यानी कि सेल परचेस, एक बंदे ने सैलरी दी, अगर इसने इसको सैलरी पे की है तो इसने सैलरी क्या की होगी, सैलरी यहाँ पे की गई है तो यहाँ पे सैलरी रिसीव की गई होगी, सैलरी रिसीव की गई होगी, यानी कि है क्या, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन,
और लेन देन करने के लिए कम से कम दो पार्टी चाहिए ना, क्या अपने को दे देंगे क्या कि हमने अपने हमने अपने आप को सैलरी दी। तो ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, जितने भी बिजनेस में हम चीजें करते हैं, जैसे गुड्स का खरीदना, गुड्स का बेचना, अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज विड्रॉ कर लेना, किसी को सैलरी देना, किसी को कमीशन देना, कन्वेंस देना, ठीक है, बैंक में पैसे जमा करना या बैंक से पैसे निकालना, जितने भी चीजें करते हैं हम लोग, ये सब हमारे ट्रांजेक्शन के अंदर आते हैं। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स रोज रोज नहीं होती, इवेंट्स आर द आउटकम्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो हम ट्रांजेक्शन करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, एक दिन वो भी आता है जब रिजल्ट का दिन आता है कि आज बिजनेस में पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आया बिजनेस का। जैसे आप स्कूल जाते रहते हैं, फिर आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, समेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट जो भी आपका हो रहा है, उसके बाद एक रिजल्ट का डे होता है कि भाई आज रिजल्ट पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है बिजनेस में, सॉरी स्कूल में क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया। तो उसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट कब होती है, जब हम ट्रांजेक्शन करते रहते हैं तो उन ट्रांजेक्शन के आउटकम के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन का लगना, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना, ये सारी क्या होती है, या स्टॉक का वैल्यूएशन करना, ये सब इवेंट्स के एग्जांपल है कुछ। तो हम लोग करते क्या है, ये तो हमने पहले देख लिया ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को समझ लिया कि केवल वही ट्रांजेक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे जिनको हम फाइनेंशियली, यानी जो बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ठीक है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है या बिजनेस की इवेंट है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, यानी उसको हम मेजर करते हैं, यानी केवल वही ट्रांजेक्शन और इवेंट्स बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाएंगे दैट कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी में क्या कर सकते हैं, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अब जो भी हमारी कंट्री की मनी हो, जो भी करेंसी हो, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, इंडियन करेंसी भाई रुपया है, तो हम हर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रुपये में मेजर करेंगे। अगर हम अमेरिका में रह रहे होते तो वहां का यूएस डॉलर है तो हम करेंसी को यूएस डॉलर में मेजर कर देते, अगर हम जापान में रह रहे होते तो हम अपनी करेंसी को येन में मेजर कर देते, यानी कि करेंसी को एक सॉरी ट्रांजेक्शन को हम मेजर करते हैं किसमें, मनी में। तो केवल वही ट्रांजेक्शन मनी में मेजर हो सकते हैं, सॉरी केवल वही ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे दैट कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे सिंपथी है, उसने मेरे साथ सिंपथी दिखाई, तो कितने रुपए की सिंपथी दिखाई, क्या सिंपथी को मनी मेजर कर सकते हैं, या जरा चले जाए मार्केट में यार जरा 200 रुपए की सिंपथी खरीद लें जाके, या 200 रुपए की काइंडनेस खरीद लें, या ऑनेस्टी परचेज कर लें, क्या ये चीजें हम परचेज कर सकते हैं, ये चीजें हम परचेज नहीं कर सकते क्योंकि इनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो हम केवल उन चीजों को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे दैट कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ये हमारा दूसरा काम हो गया मेजरिंग। ठीक है, हमने सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको मनी में मेजर कर लिया, अब हम उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। और अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग होती है वो कहाँ होती है, जर्नल में, यानी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होती है जर्नल। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जहां पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और सबसे प्राइमरी बुक यही होती है। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि एक मेमोरेंडम बुक होती है जिसको भी कहीं कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज काफी कम हो गया है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग आपकी जर्नल से ही शुरू होती है, जर्नल के बाद हमने रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब एक तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह लेके आ जाना, एक तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह लेके आ जाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासीफाइंग। और अकाउंट में क्लासिफिकेशन का काम कौन करता है, तो अकाउंट में क्लासिफिकेशन का काम क्या रहता है, लेजर के द्वारा। अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन का काम कहां पे होता है, लेजर के द्वारा, यानी लेजर के द्वारा हम सारी चीजों को क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक, एक तरह की इंफॉर्मेशन एक जगह। अब जैसे महीने भर में मान लो हमने 1000 बार परचेज किया, 1000 बार, अब बड़ा डिफिकल्ट है कि भाई कहां कहां किससे किससे परचेज किया या टोटल परचेज कितना है, तो हम जितने भी परचेज होंगे, जितने भी डेट्स के होंगे, उन सबको वहां से पिक करेंगे जर्नल से, और लेजर में उसकी पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, जर्नल में हम एंट्री पास करते हैं और लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं, बात ध्यान रखना। समराइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम लेजर बना लेते हैं, यानी क्लासिफिकेशन क्लासिफाइंग प्रोसेस में जब हम लेजर बना लेते हैं, उसके बाद समराइजिंग प्रोसेस में आते हैं। समराइजिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा काम क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाना, यानी कि ट्रायल बैलेंस जो हमारा बनता है वो समराइजिंग प्रोसेस में बनता है। लेकिन यहीं से समराइजिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता, बल्कि हम ये जरूर बोल सकते हैं
कि समराइजिंग प्रोसेस में जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो यहां से बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। बुक कीपिंग, अब आप कहोगे बुक कीपिंग नया वर्ड कहां से आ गया, अभी तो अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे, बुक कीपिंग कहां से आ गया? तो अभी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस ही बताया जाएगा, या तो इस वीडियो में या आपको नेक्स्ट वीडियो पर इसका आपका मिल जाएगा आपको। देखिए होता क्या है, देखिए बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक होते हैं जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, या ऐसे मान लो आप अपने स्कूल की फीस सबमिट करने जाते हो, जहां पे आप फीस सबमिट करते हो ऑफिस में या जहां भी रिसीट काउंटर होता है वहां पे आप फीस सबमिट कर देते हो, आपने फीस सबमिट कर दी और आपने उससे पूछा कि बताइए आपके स्कूल में कितने का प्रॉफिट हुआ इस साल, तो जहां पे आपने फीस सबमिट की है वो ये चीज नहीं बता पाया बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसका काम केवल क्या है, उसका काम केवल क्या है, फीस सबमिट करना, यानी वो अभी बुक कीपिंग के प्रोसेस में है। और बुक कीपिंग का जो प्रोसेस होता है वो कहां से शुरू होता है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, इस पूरे को कंबाइंडली हम बोलते हैं बुक कीपिंग, यानी यहां पे अभी हम केवल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे जब आप अपने स्कूल में एग्जाम देने जाते हो, जिस दिन आपका एग्जाम होता है तो आपको पहले कॉपी मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप लिखते हो और लिखने के बाद आप वो कॉपी अपने इन्विजिलेटर को सबमिट करके चले जाते हो, बस यहीं तक आपका कंट्रोल था, यानी कि मार्क्स कितने आपके आने हैं तो आप वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। आपका काम क्या था, आपका काम था क्वेश्चन पेपर में, सॉरी अपनी कॉपी पे क्वेश्चंस के आंसर को लिखना, जो कि आपने किया, और उसके बाद कॉपी आपने सबमिट कर दी, उसी दिन से आपके कंट्रोल में वो चीजें नहीं रही। अब उसमें वो कितने नंबर देगा, क्या होगा, वो आपको नहीं पता। इसी तरीके से जो बुक कीपिंग होती, बुक कीपिंग का काम केवल होता है कि जर्नल में रिकॉर्डिंग कर दो, क्लासिफिकेशन लेजर में क्लासिफिकेशन कर दो और ट्रायल बैलेंस के थ्रू समराइजिंग कर दो, बस यहीं से बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही बुक कीपिंग खत्म होता है तुरंत अकाउंटिंग शुरू होती है, बुक कीपिंग खत्म अकाउंटिंग शुरू। तो ट्रायल बैलेंस जैसे ही बनाया हमने, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या क्या बनाते हैं, देखिए जरा क्या क्या बनाते हैं इसमें हम लोग। तो पहले से बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम लोग कलेक्टिवली इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कलेक्टिवली इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट ही बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, यानी कि बिजनेस में क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट, ध्यान रखना बैलेंस शीट को बोला जाता है पोजिशनल स्टेटमेंट, क्योंकि ये बिजनेस की पोजिशन को आइडेंटिफाई करती है। अब इसको समझे जाना कि इनकम स्टेटमेंट में और पोजिशनल स्टेटमेंट में क्या अंतर है, देखिए समझिए, आज आपका रिजल्ट डे है, रिजल्ट मिलना है, बड़े खुशी खुशी स्कूल जाते हैं पेरेंट्स के साथ, पता चला भाई आपका बच्चा पास हो गया, बड़े खुश होगा, अरे वाह पास हो गया। यानी बिजनेस में जब हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से ये पता चल गया कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी रिजल्ट पता चल चुका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर पेरेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है टीचर से कि ठीक है बच्चा पास तो हो गया, अरे सर जी क्लास में इनकी कोई पोजीशन वगैरह आई है या ऐसे ही, तो पता चला भाई इनकी क्लास में फोर्थ पोजीशन आई है, तो पोजीशन भी पता करते हैं हम लोग। इसी तरीके से बिजनेस में भी क्या होता है कि बिजनेस में भी हम अपनी पोजीशन को पता करते हैं कि आखिर हमारी पोजीशन क्या है, प्रॉफिट हुआ वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई प्रॉफिट हुआ, लेकिन पोजीशन भी है कुछ कि नहीं है हमारी, तो बिजनेस की पोजीशन कौन बताता है, वो बताती है बैलेंस शीट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल स्टेटमेंट। आफ्टर दैट समराइजिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, समराइजिंग प्रोसेस के बाद हम आ गए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस करते हैं यानी हम इस साल के परफॉर्मेंस से पिछले साल के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, डिफरेंट टाइप की कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें बनती हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें बनती हैं, यानी हम अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि आखिर हम यहाँ पे हैं, हमको इतना प्रॉफिट हुआ लेकिन हमने टारगेट तो ज्यादा बनाया था, इतना कम क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यानी अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं अचीव हुआ, उनके रीजन को पहचानना और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना हमको, यानी आगे के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक। आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, अब बिजनेस का रिजल्ट आ गया,
आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका कोई टेस्ट किया और टेस्ट करके चुपचाप बैठा हुआ है, रिजल्ट बता ही नहीं रहा हमको, तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, अरे डॉक्टर साहब बताइए क्या रिजल्ट है भाई हमारा, कम्युनिकेट तो करो। तो आप अगर अकाउंटेंट हो, सब कुछ आपने कर लिया, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर लिया, तो कम्युनिकेट नहीं करोगे इसको जो बिजनेस का ओनर है या जो बिजनेस के यूजर्स हैं। यानी कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि जो भी बिजनेस के यूजर्स हैं जिनको उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देते हैं। यूजर भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे ओनर हो गए, मैनेजमेंट हो गया और एम्प्लॉयज हो गए, ये तीन लोग आपके इंटरनल यूजर में आते हैं। और बाकी पब्लिक हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक्स हो गए, टैक्स अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ये सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये पूरा अकाउंट का प्रोसेस है जिसको हमें समझाया। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।